हाँ भाई, राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज न्यूज़पेपर में कटिंग आ चुकी है कि चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियों के अभ्यर्थी हैं, जल्द पूछा जाएगा नौकरी का विकल्प। क्योंकि भाई 2-3 दिन से हवा बनाया हुआ था कि जो डी ग्रुप की भर्ती है वो लेट जाएगी, पहले सी ग्रुप की भर्ती होगी। पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डी ग्रुप की भर्ती पहले होगी, ना कि सी की, ठीक है? क्योंकि सी के तो अभी मेंस के एग्जाम चल रहे हैं और सरकार को भी इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए वो पहले डी ग्रुप की भर्ती करेगी। तो आपकी डी ग्रुप की भर्ती जो है वो जनवरी में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ताकि आपसे प्रेफरेंस पूछ ले और उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग वो करवा देंगे, ठीक है भाई? तो आज ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हरियाणा में नए साल की शुरुआत में ग्रुप डी की भर्तियां सीधे चढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। मौजूदा साल पूरा होने से पहले सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आग्रह पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कहा है। सरकार की तरफ से कुल 13,657 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा जा चुका है, जिनमें भाई 13,104 पद कॉमन कैडर के हैं, जबकि 553 पद बोर्ड व निगमों के लिए आरक्षित किए गए हैं। भाई हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको बोर्ड और निगमों के लिए अगर आप अप्लाई करोगे ना भाई, तो भी वहाँ पे आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। भाई ट्रांसफर की श्योर नहीं है, पर वहाँ पे प्रमोशन जल्दी हो जाएगा अगर कॉमन कैडर के पोस्ट ना चूज करोगे करोगे तो। क्योंकि कॉमन कैडर में क्या है, सभी का जो प्रमोशन इकट्ठा होएगा और वो 5 से 8 साल उनमें लग जाएंगे। क्योंकि अभी जो 2019 में जो भर्ती हुई थी उनके भी ट्रांसफर नहीं हुए कॉमन कैडर वालों के, जबकि जो बोर्ड और निगम के अंदर है उनके ट्रांसफर हो चुके हैं भाई, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, क्योंकि अगर आप बोर्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपका जो ट्रांसफर वो जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार इन पदों को विज्ञापित करके जल्दी ही विकल्प भरवाए जाएंगे। देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि विकल्प जो हो, जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपसे जल्दी भरवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रुप डी की सीईटी आयोजित हो चुका है, सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र के बाद अब इन पदों को विज्ञापित किया जाएगा। उधर सरकार द्वारा ग्रुप डी के तहत चुने गए अभ्यर्थियों के तबादलों के लिए पोर्टल पर भी लॉन्च किया जा चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि भी अभी जो ग्रुप डी के जो पुराने भर्ती थी उनका भी जो ट्रांसफर ड्राइव खुल चुकी है, उनके ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उनके ट्रांसफर जैसे ही खत्म होंगे, जैसे ही उनके ट्रांसफर ड्राइव बंद होगी, तो भी आपकी जो नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ये बात इन्होंने लिख रखी है। तो ग्रुप डी के करीब 2,000 और पदों की मांग सरकार की तरफ से आ सकती है भाई। जैसे वो ट्रांसफर ड्राइव बंद होगी ना भाई, तो हो सकता है नए पद जो बच जाए, पोस्ट खाली हो जाए, तो कह रहे हैं कि लगभग 2,000 पद और आने की उम्मीद है भाई। और उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से पोर्टल के माध्यम से पूछा जाएगा क्या वह ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हो। अब की बार भाई हरियाणा सरकार एक और चीज़ लेके आ रही है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हो या वह नहीं, और चाहते हो तो भी किन पदों पे चाहते हो अथवा किन पदों पर काम नहीं करना चाहते। जैसे पहले क्या थे, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते थे भाई, आपको कौन कौन सी पोस्ट चाहिए। अब ये आपसे ये भी भरवाएंगे कि भाई आपको कौन सी पोस्ट नहीं चाहिए, आप किस पोस्ट पे काम, किन पदों पे काम नहीं करना चाहते, ठीक है भाई? और उसके साथ कहा कि कोई विकल्प नहीं भरा जाता तो अभ्यर्थी मेरिट में भी आ जाता है, तो उसका चयन माना जाएगा। कोई उम्मीदवार ग्रुप डी की नौकरी नहीं करना चाहता है और ग्रुप सी में उसका नंबर नहीं आता है, तो उसका सरकारी नौकरी के दावा खारिज माना जाएगा। ये कह रहे हैं भाई, अगर मान लो डी में आपने मना कर दिया भाई मैं डी की नौकरी नहीं जाता, और सी में आपके नंबर कट ऑफ से कम आते हैं, तो भी आपका जो कैंडिडेचर है वो ये क्या करते हैं, खारिज कर दें, खत्म कर देंगे भाई। उसके साथ साथ एक न्यूज़ हो रही है अभी कि जो सीईटी मेंस है भाई, उसके 10 ग्रुप के पेपर होंगे, जो मैंने आपको कल बता दिया था भाई, 12-13 जनवरी को उनके डेट डिसाइड हो चुकी है भाई। 12-13 और जनवरी को भी भाई आपके एग्जाम होंगे भाई, ठीक है? तो भाई, और सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए जल्दी सिरे चढ़ाने को कहा है भाई। सरकार ने भाई अपने HSSC के ऊपर भी दबाव बना दिया कि भाई आप इस भर्ती को जल्दी से, जो डी ग्रुप की भर्ती, इसको जल्दी जल्दी पूरा करो, तो भी आप डी ग्रुप वाले निश्चित रहो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, और जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो जनवरी मिड तक आपकी शुरू हो जाएगी भाई, पोस्ट प्रेफरेंस। और भाई ध्यान रखना भाई पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है ये। और जो मैंने आपको पोस्ट स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो भाई, कौन सी पोस्ट में क्या वर्क प्रोफाइल, क्या काम करना पड़ता है और ड्यूटी ड्यूटी हावर कैसे उनमें, ठीक है भाई? तो आपके लिए आज यही न्यूज़ थी भाई, जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं वो निश्चित रहें, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। राम राम सभी को, धन्यवाद।